अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो भाई, ये जो घोंचू का जो वीडियो आया है, जिसके अंदर वो सुबह में आपका दिन शुभ हो और क्या शुभ की आगाज हो गई है, जो बकवास आदमी बकवास करता है। तो उसके बाद में उसने बोला कि मैं जाता हूँ सेकंड घर। ठीक है, तो ये बताओ कि हलीमा भी इधर पे थी और जो घोंचू है वो भी पिटारा के ही पास सोया हुआ था। सो के उठ के वो कौसर के घर पे जा रहा था। उसके बाद में वो जो अनीता है, जाहिर सी बात है वो तो इधर ही रहती है। रमजान तो कौसर के पास रह नहीं सकता है अकेले। तो क्या कौसर अपना बच्चा लेके एकदम अकेली रह रही है वहां पे? और इस चीज के ऊपर जो लोगों ने सलमा के वीडियो आने से बड़ा ही आवाज उठाए थे, कि अब हम देखते हैं जो लोग सलमा के लिए आवाज उठाते हैं वो लोग कितने दोगले हैं, वो लोग आवाज उठाते हैं कि नहीं, वो लोग सच बोलते हैं कि नहीं। तो भाई, यहाँ पे हम सलमा के सपोर्टर नहीं है, ठीक है? और जो सच है जो झूठ है उसके ऊपर हम बात करते हैं, क्योंकि हम ना ही तो अंधे हैं, ना ही दोगले हैं, और ना ही तो हम तुम लोगों की तरह पेड सपोर्टर है, ठीक है? जो के थूके हुए है, थूक दिया गया है, फिर भी पैरों को तलवों को चाट चाट के मट्टी साफ की जा रही है। तो उस तरह के हम नहीं है। लेकिन हाँ, तुम लोग जो बहुत ज़्यादा अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हो कि हम लोग तो बहुत फेयर है, हम लोग तो सच को सच और झूठ को झूठ बोलते हैं। तो तुम लोग बताओ कि तुम लोगों ने कभी ये चीज़ के लिए आवाज़ उठाई है? तुम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर बात की है कि पिटारा के पास में अनीता है, उसका हस्बैंड है, हलीमा है, तीन बच्चे हैं, मतलब के टोटल 7-8 लोग उसके पास में होने के बावजूद गोंचू यहीं पे सोता है और कौसर के पास में कोई भी नहीं है। उसके बच्चे के साथ में वो अकेली, वो भी आजू बाजू में ना अड़ोसी दिखते हैं ना पड़ोसी दिखते हैं, सामने हाईवे जैसा रोड है और वो अकेली छोटे बच्चे को लेके रह रही है, जो कि बच्चा 1.5-2 महीने का है। तो यहाँ पे तुम लोगों की आवाज़ नहीं निकलती, यहाँ पे तुम लोग बोलते नहीं हो कि भाई पिटारा तू कम से कम रात को तो उसको छोड़ दिया कर, दिन भर तो टट्टू की तरह तू उसको घुमाते रहती है अपने साथ में, दुम छल्ला बना के रखी है, अपने पल्लू से बांध के रखी है, जो कि जब से शादी हुई है ना तब से लेके आज तलक के वो दुम छल्ला ही बना हुआ है। तो अभी भी तुम लोगों की आंखें नहीं खुली। तो तुम लोग रात के लिए ही कम से कम बोल दो कि भाई दिन भर तो कौसर अकेली रहती ही रहती है, कम से कम रात के लिए ही इसको छोड़ दिया करके, रात को थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़ा जल्दी चले जाए और कौसर के साथ में, उसके बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करे। जैसे कि पिटारा बोलती थी कि एक मर्द का घर में होना बहुत ज़रूरी है, रात भी रात मुझे डर लगता है, मुझे भरोसा नहीं है कि कौन मुझे खा जाएगा, है ना? जबकि ये मर्दों को खाते फिरती है, कभी कोई जीजा को खा जाती है तो कभी कोई जीजा को खा जाती है। जब ऐसी जो चालू औरत है इसको डर लग सकता है, तो सोचो कौसर अपना इतना सी बच्चा लेके कैसे रहती होंगी। और नहीं तो फिर आके ये लोग बताए कि कौसर के साथ में कोई और रह रहा है, जो कि उसका हस्बैंड है। हाँ, ऐसा कोई रह रहा है। तो यहाँ पे तुम लोगों की जबान क्यों नहीं चलती? क्यों तुम लोग भूल जाते हो कि तुम लोगों को पिटारा ने थूक चुकी है? दोगले चोमड़े कहीं के। वैसे जितनी फिक्र से ये गोंचू उठ के पानी का टैंकर चेक करता है, तो घर में कौन सी चीज है कौन सी चीज नहीं है, क्या कहाँ पे रखना है, क्या खत्म हो गया है, क्या लाना है, जैसे वो पिटारा के घर का इतना ज्यादा टेंशन लेता है। आप लोगों ने नहीं देखे होंगे कि वो कौसर का लेता होगा। बस अभी बीच में थोड़ा सी इसकी धुलाई अच्छी किए थे लोगों ने कि एक अवसर के लिए क्यों नहीं इतना फिक्रमंद होता है, तो बीच में 2-3 दिन दिखा दिया था कि हाँ मैं तो बड़ा फिक्रमंद हूँ, वरना कौसर के घर का तो इसको कोई फिक्र नहीं रहती है। और यहाँ पे इसको पानी भरने की भी इतनी फिक्र रहती है, और जिस जो काम के औरतों के रहते हैं। और पिटारा को देखो, वो मोटी सोई पड़ी रहती है। वाह वाह वाह। अच्छू इस वीडियो में ये भी बोल रहा था कि शहंशाह वाले सामान लेने जाना है, मतलब वो मलिकाए जेड बनेगी और ये दल्ला शहंशाह बनेगा, तो इसको वो सामान लेने जाना है। अच्छा, ये सब चीज़ों से एक बात तो साबित हो गई ना, जो हम शुरू से बोलते थे, मैं शुरू से एक बात बोलते आ रही हूँ
कि ये सारा प्री प्लान ड्रामा होता है इन लोगों का, जितना भी लोग दिखाते हैं जो भी करते हैं ना, ये सारा स्क्रिप्ट के हिसाब से करते हैं, प्री प्लान ड्रामा होता है। अब उस चीज को इन लोग वाईटी पे आके ऑन कैमरा बता रहे हैं कि हाँ हम इस चीज का ड्रामा कर रहे हैं, ये चीज हम खरीद के ला रहे हैं, वो चीज हम कर रहे हैं। मतलब के मेरी वो सारी बातें अगर आप लोग देखो तो सच हो ही गई ना आखिर में। यही बात तो मैं बोलती थी कि ये सारा स्क्रिप्ट के हिसाब से ड्रामा हो रहा है, और अब इन लोग खुद मेरी बात को सच्चा साबित कर रहे हैं, वो भी प्रूफ के साथ। अच्छा, ये जब भी पिटारा के घर पे रहता है ना, तो फ्रिज खोल खोल के नहीं दिखाता है, फ्रिज खोल खोल के नहीं देखता है कि अंदर क्या है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे आता है ना तो ये आधा टाइम तो फ्रिज के अंदर ही गुजारता है। और ये जो काला बैगन है, फ्रिज में झांक रहा था कि देखूं फ्रिज में क्या बना है क्या रखा है, ये सारे ड्रामे कर रहा था। और पीछे से इब्राहिम के रोने की इतनी आवाज आ रही थी, लेकिन इसको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हाँ मेरी औलाद रो रही है। तो ये फ्रिज में ताका झाकी करने की बजाय मैं बच्चे को जाके देख लूँ कि वो रो क्यों रहा है, या मैं इसको संभाल लूँ। तो यहीं से पता चलता है कि बच्चा कितना गोंचुका है, और इसको कितनी ज्यादा फिक्र है अपने बच्चे की, और ये कितना प्यार करता है अपने बच्चे से। अच्छा, गोंचू वहां पे जाने के बाद में दिखा रहा था कि गोभी आलू और चिकन का सालन है और रात की रोटी है, तो मैं वो गर्म करके खा लेता हूँ। फिर ये वो खाना लेके बैठा नाश्ता करने के लिए, और फिर 1 मिनट में ही इसने ये बोला कि थोड़ा सी गुस्सा दिखाया ना, तो फिर कौसर आके रोटी लेके गई और बोली कि मैं आपको ताजी रोटी बना के देती हूँ। तो यहाँ पे तो भाई तालियां बनती है कि तूने कौसर पे गुस्सा दिखाया और वो रोटी बनाने के लिए गई, यही गुस्सा तू पिटारा पे नहीं दिखाता। वहां पे तो वो तुझे कानपट मारते रहती है, तेरे ऊपर कैमरे के सामने हाथ उठाते रहती है, और वहां पे तेरा मुंह नहीं खुलता है। देखो इतना गालियां खिलाती है, इतना जलील करवाती है, वहां पे तेरा मुंह नहीं खुलता है। यहाँ पे बासी रोटी खाने को तैयार नहीं है, वहां पे गालियां खाते रहता है, और वहां पे तेरा मुंह नहीं खुलता है, और यहाँ पे तूने कौसर के ऊपर खाली बासी रोटी को लेके गुस्सा दिखाया। वाह भाई, तालियां होनी चाहिए के गोंचू को भी गुस्सा दिखाने आता है, और लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौसर के ऊपर। पिटारा के सामने तो इसकी दाल नहीं गलती है। और काले बैगन को बहुत अच्छे से पता है कि पिटारा तो उठेंगी ही 2 बजे, है ना, नौकरानी उसकी जो है अनीता, वो 2 बजे उठेंगी, पिटारा 4 बजे उठेंगी, तो नाश्ता तो वैसे भी नसीब नहीं होगा। तो ये इधर पे मुंह उठा के आ गया और नाश्ता करने के लिए, और फिर पता है ना कि कौसर तो भाई उड़ जाती है, परफेक्ट बीवी है ना वो, तो वो उड़ भी जाती है, उसके घर में रोटी भी रहती है, उसके घर में सालन भी रहता है, सब कुछ रहता है, तो मुंह उठा के इधर आ जाता है। लेकिन गुस्से वाली बात को तो भाई तवज्जो देना चाहिए। एक बात और बता दूं कि गोचू ने इस वीडियो में भी वापिस से बच्चे का मुंह बहुत अच्छे से रिवील कर दिया है। आप लोगों को पता ही है ना क्लिप वाली वीडियो में कहाँ डालती हूँ, तो वहां पे जाके आप लोग जरूर देख लेना। उसका लिंक चाहिए तो मैं कम्युनिटी पे लगा दूंगी, कम्युनिटी से भी आप लोग देख लेना, और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगी, वहां से भी आप लोग देख लेना। बाकी ये बार बार कौसर को बोल रहा है कि पैकिंग हो गई क्या, पैकिंग हो गई, बच्चा बहुत खुश है, नाना नानी के पास जा रहा है। फिर इसके मुंह से ये भी निकल गया कि वहां पे बहुत गर्मी है, तो बेशरम काले बैगन, जब तुझे पता है कि वहाँ पे बहुत गर्मी है तो तू इतने छोटे बच्चे को कैसे भेज रहा है। और जब इतने ड्रामा किया कि मैंने बच्चे को लेके पिटारा के घर पे गया था, और वापस लाने के टाइम पे फिर इसने रमजान को दिखाया है कि रमजान को लेके मैं गया था, बच्चे को छोड़ने के लिए आया हूँ रमजान को लेके, तो यहाँ से ये बात साबित हो गई कि ले जाने के टाइम पे कौसर थी वहां पे, बच्चे को लेके गई थी, कौसर खुद भी साथ में थी, और आने के टाइम पे जाहिर सी बात है कौसर को शूट करना था, है ना, दिखाना था कि वो दरवाजे में खड़ी है, पीछे से अगर बच्चे ने रो दिया या ऐसा कुछ हो गया तो, और ये सीट के ऊपर भी बच्चे को ऐसे छोड़ नहीं सकता था। तो इसने फिर कौसर को पहले उतारा, फिर कौसर गई, दरवाजा खोली और दरवाजे में खड़ी हो गई, फिर रमजान को दिखाते हुए, बच्चे को दिखाते हुए, फिर इसने कौसर को शूट किया कि तुम्हें पता था कि मैं बच्चा लेके गया हूँ, तो वो बोल रही है हाँ,
मुझे पता था। तो जैसे कि मैंने कल ही बताई थी, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी कि उसके अंदर मैंने बताई थी कि कौसर को पता था, बल्कि कौसर को पता नहीं था, कौसर भी साथ में गई थी। बस ये लोग शूट ऐसे करते हैं, ऐसा ड्रामा करते हैं ना कि लोगों को लगता है कि नहीं, कौसर नहीं गई थी, लेकिन कौसर साथ में गई थी। और दूसरी बात के जब कौसर बच्चे को लेके ये जब उतरने लगा और कौसर के लिए शूट करने के लिए उतरा, तो इसने क्या डायलॉग बोला कि बच्चा सोया हुआ है एसी के सामने, सुकून से सोया हुआ है। तो गोंचू इतनी तो तुझे एहसास है ना कि बच्चा एसी के सामने सुकून से सो रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अगर तुम लोग एक एसी कौसर के लिए भी लगवा दोगे तो मर जाओगे क्या? तूने एक कूलर ला के रख दिया वहाँ पे, उसके ऊपर से भी इतनी गालियाँ। तो अगर एसी ही लगा देता तो मर तो नहीं जाते तुम लोग, गरीब तो नहीं हो जाते तुम लोग? जब इतना पिटारा खर्चा करती है, इतने पैसों को आग लगाती है, तो वहाँ पे तो तुम लोगों को हिसाब किताब याद नहीं आते, लेकिन कौसर के पीछे खर्चा करना होता है तो तुम लोग गरीब हो जाते हो। उसके सामने तो तुम लोगों को खर्चे नज़र आ जाते हैं कि ये इतना महंगा है और वो इतना महंगा है। अरे गोंचू, तो काले बैगन थोड़ा सी शर्म कर ले। अगर वो तेरी सच में औलाद है ना, तो उसके लिए एक एसी लगवा दे। इस बात का जो मैंने बीच में ही छोड़ दी कि ये बार बार कौसर को और बच्चे को बोल रहा था कि तुम लोग गांव जाओगे, पैकिंग हो गई पैकिंग हो गई, तो वहाँ पे कौसर जब शुरू शुरू में ना बोल रही थी ना कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, वो साफ नज़र आ रहा था कि कौसर है ना ब्लैकमेल कर रही है। जैसे कि लोग चाहते हैं कि कौसर गांव चली जाए, उसने खुशी 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 क्या मतलब, उसको मानना ही है बात, तो उसने बोल दी कि ठीक है मुझे गांव छोड़ दो। लेकिन अभी है ना वो नहीं नहीं बोल के वीडियो में ना ब्लैकमेल कर रही थी कि तू रात को उधर सोया हुआ था, तो इसके लिए वो गुस्सा दिखा रही थी कि रात को बच्चा और मैं अकेले थे, तो ये सुबह में आया, तो फिर इसको वो ब्लैकमेल कर रही थी कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन हाँ, उसके ना जाने बोलने से गोंचू बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था कि क्या होता है, तुम्हारा मूड सुबह कुछ रहता है, शाम को कुछ रहता है, तुम्हारा मूड बदलते रहता है, तुमको कभी भी गुस्सा आ जाता है। तो ये सारी देखो इसकी जबान कितनी चलती है ना गोंचू की, गुस्सा भी दिखा लेता है कौसर के ऊपर, सारी बातें जो भी मतलब कौसर का किस तरह का मूड है, कौसर ने क्या बोली, कौसर ने कैसे रिएक्ट की, सब कुछ बताता है। लेकिन पिटारा वाले मामले में 3 साल में एक बार भी आप लोगों ने देखा होगा इसकी वीडियो में कि इसने पिटारा के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला है, या पिटारा के लिए इसने कोई भी चीज बोला है कि इसका मूड चेंज होता है, तो ये मेरी बात नहीं सुनती है, तो मैंने इसको डांटी दे दिया, तो मैंने इसको चिल्ला दिया, तो इसने रोटी बासी दी मुझे, ऐसा कुछ भी एक लफ्ज भी कहीं पे बोला है। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो में नोट किया होगा, जब पिटारा इससे शिकायत कर रही थी बैठ के, सब जने मुझे कमेंट कर रहे थे कि जो काला बैगन है वो दिल से तुम्हारी जी उजूरी नहीं कर रहा था, तो वहां पे बोल रहा है ये कि नहीं, अगली बार तुम जैसा बोलोगी ना मैं वैसे करूँगा, वहां पे इसकी जबान नहीं चली, वहां पे इसने उसकी सच्चाई नहीं बताया, वहां पे मुंह खोल के नहीं बोला कि तू बहुत ज्यादा इतरा रही है, कि जैसे तू नचा रही थी वैसे तो नाच रहा था, फिर ऐसे क्यों बोल रही है? लेकिन नहीं, वहाँ पे नहीं बोलेगा ना, क्योंकि बीवी का दल्ला जो है, शर्म तो आती नहीं है, पैसे के लिए इतना गिर गया है ना जिसकी कोई हद नहीं है, बेशर्म कहीं का। वैसे जिस वीडियो में ये कौसर को बोलने लगा रहा था कि तुम घूमने जाना पसंद करोगी या तुम गांव जाना पसंद करोगी, कौसर एक्स्ट्रा दांत निकाल के बोल रही थी कि मैं गांव जाना पसंद करूंगी, मुझे गांव भेज दो। अगर वो वीडियो आप लोग गौर से देखोगे ना, तो साफ नजर आ रहा है कि कौसर को जानबूझ के ना लोगों ने स्क्रिप्ट दिए है कि इतना खुश होके बोलना गांव जाने के लिए कि लोगों को लगे कि नहीं तुम जाना चाहती हो, तुम बहुत ज्यादा खुश हो गांव जाने के लिए। कौसर एकदम ज्यादा ही उसमें एक्स्ट्रा ही हंस रही है, मतलब कि कोई उसके लिए आवाज ना उठाए, कोई उसके लिए बात ना करे कि भाई इसको भी तुम लोग घुमाने फिराने लेके जाओ, इसको साथ में लेके जाओ, इसके लिए उसको इतना हंसा के और फिर ये बयान देने लगा है ताकि उसके लिए कोई आवाज ना उठाए। मतलब के पिटारा का कितना दिमाग चलता है, कितने गेम करती है, कितने गेम खेलती है देख लो। लेकिन इतना तो है कि लोग जितना भी गेम खेल ले, कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, कितना भी गिर जाए, लेकिन ऊपर वाले की लाठी है ना बेआवाज़ है। एक ना एक दिन आप लोग देखना, वो दिन जरूर आएगा
जब इन लोगों की ना ये कौसर वाली भी सारी पोल पट्टियां खुलेंगी और पूरी दुनिया देखेंगी कि इन लोगों ने कितना गंद मचाए थे। और जो जो बात मैं मेरी बात करूंगी, जो जो बात मैंने की थी ना, एक एक बातें है ना, आप लोगों को सच्ची साबित हो के सामने आएंगी। वैसे इसके वीडियो में ये भी देखने के लिए मिला कि वहाँ पे बच्चे को लेके जब ये उतर रहा था, पहले तो ये गया बच्चे को लेके, तो ये कोई कुर्ता पैजामा वगैरह कुछ पहना हुआ था, सलवार कमीज पहना हुआ था। और जब बच्चे को लेके ये उतर रहा था तो ये टी शर्ट पहना हुआ था। मीन्स के वीडियो ये कोई और दिन शूट हुआ है और दिखा कोई और दिन रहे हैं और ड्रामे कर रहे हैं लोग। मुझे नहीं समझ आता है कि कितना ही लोगों का दिमाग चलता है, कितना झूठ बोलते हैं। वैसे पिटारा का वो जो डायलॉग था ना कि मैंने 3 बच्चे संभाल लिए हूँ, मैं चौथा भी संभाल लूंगी, वो अभी भी मेरे कान में गूंज रहा है और मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि गोंचू ने अपनी वीडियो में बताया कि खुद ही नहा धो के अपने बाप को लेके ये नमाज चला गया और पिटारा का कोई लेना देना नहीं था, पिटारा कहीं पे भी नहीं नजर आई। फिर इसने ये भी बोला कि मुस्तफ़ा रेडी नहीं था, इसके लिए मुस्तफ़ा नहीं जा रहा है नमाज। मीन्स के माँ जब भी उठी ही नहीं है, बच्चों को भेजेंगी तो ही बच्चे जाएंगे ना, माँ को कुछ पड़ी ही नहीं है तो बच्चे कहाँ से जाएंगे, वो सोते पड़ी थी। अच्छा ये जब बच्चा लेके गया है ना, तब पिटारा सो रही थी, इसने उठाया और थोड़ी सी क्लिप पिटारा ने, जैसे कि पिटारा ने खुद ही बुलवाई थी बच्चे को, तो पिटारा ने उतनी क्लिप शूट की। फिर बाद में वो रिटर्न सो गई, फिर जाके वो शाम को उठी। देख लो कि मतलब ये औरत को कितनी अय्याशियाँ मिल रही है, कितना आराम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी रोते रहती है मनुष्य, इसका रोना ही नहीं बंद होता है। इतनी कोई ये जलील औरत है, पता नहीं इसको खुदा का खौफ कब आएगा। खैर चले इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और जो क्लिपें रहेंगी और जो फेस रिवील की क्लिप है और जितनी भी जो इम्पोर्टेंस क्लिप है तो मैं डाल दूंगी आप लोगों चैनल पे, देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और कम्युनिटी पे भी मिल जाएगा। तो चले इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।